एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए। पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वास भरिए।